फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इसमें हम इलेक्ट्रोड डिजाइन करने वाले हैं और इलेक्ट्रोड की हम मशीनिंग करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोड की मशीनिंग भी करके दिखाऊंगा, कैसे मशीनिंग करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कभी इलेक्ट्रोड जो है सिंपली मशीनिंग हो जाती है, कभी कभी आपके लेट में भी हो जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रोड को हम वायर कट भी करवाते हैं। कुछ कुछ इलेक्ट्रोड होती है, जैसे कि बॉस वगैरह की इलेक्ट्रोड होती है, उसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड को वायर कट भी करवाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी इलेक्ट्रोड होती है जो इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड से मशीनिंग करके फिर मशीनिंग करते हैं। तो आज जो केस होंगे, थोड़ा सा टिपिकल केस होंगे, हम इसमें जो आपको कैसे इलेक्ट्रोड बनानी है, क्या क्या इलेक्ट्रोड बनाना है वो समझाऊंगा। और ये बेसिकली जो मोल्ड है, मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ इस मोल्ड की, तो आपको समझ में आ जाएगा जो पार्ट है। तो बेसिकली ये मेरा पार्ट है, ये आपका एक समरसेबल पंप जो है, इसकी मोल्ड है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा कोलैप्सिबल चलेंगे इस एरिया में, कोलैप्सिबल खोल, यहाँ पे आप देख रहे हो गियर है, मोटर लगेगा यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे एक आप देख रहे हो लिफ्टर है, ठीक है। तो बहुत ही टिपिकल मोल्ड है, यहाँ पे स्लाइजर भी है, अब दोनों साइड से आपका स्प्लिट मोल्ड भी है, तो बहुत ही टिपिकल सा मोल्ड है। तो इस मोल्ड को मैं आपको रफली एक में समझा देता हूँ कैसा बेसिकली है। ये ट्रिपलेट मोल्ड में है, तो ऐसा सब केस जो होते हैं मैक्सिमम थ्री प्लेट मोल में होती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ स्क्रू बुलर वगैरह लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइलन बूज वगैरह भी है इसको खींचने के लिए। तो ये मेरा जो है बेसिकली एक थ्री प्लेट मोल्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको इसी तरीके से मैं दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे क्या है क्या चीजें। तो ये है बेसिकली मेरा पार्ट, और ये मेरा चल रहा है लिप्टर यहाँ पे, है ना। और ये जो मेरा चल रहा है यहाँ पे कोलैप्सिबल चल रहा है, जैसे कि ये डाउन आएंगे तो ये जो है एरिया रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मेरा एरिया ये डाउन हो जाएंगे ना, मैंने ऑलरेडी एक एनिमेशन दिखाया है, जो एनिमेशन वाला वीडियो नहीं देखा वो देख ले, ये मोल में मैं एनिमेशन वगैरह करके दिखाऊँ। जैसे मतलब ये वाला टी मेरा नीचे आएंगे तो ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एंगल पे है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल पे है। तो ये क्या होगा, रिलीज में हो जाएगी। तो इसकी एक मैकेनिज्म होती है, हम कोलैप्सिबल लगाते हैं, टी से भी करते हैं, हम इसमें अलग से इंसर्ट डाल के भी करते हैं, बहुत सारा तरीका है इसके अलावा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा कैविटी है, जो मेरा लेफ्ट साइड कैविटी या राइट साइड कैविटी, कोई भी एक कैविटी का मैं आपको इलेक्ट्रोड लगा के दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं यही वाला लूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा हो, या आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो, कोई आपको फिल्टर नहीं लेना, ओपन इन विंडो कर देना है आपको। तो ये जो मेरा आप देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको समझने के लिए, एक सिंपल सा कलर में ले देता हूँ कि आपको इजीली चीजें समझ में आए और इजीली आप देख पाओ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, एक बार आपको मैं इसकी कूलिंग समझा देता हूँ, ठीक है। अपने बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कूलिंग नहीं देखा होगा, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहा है, 6-7 साल हो गया है मोल्ड डिजाइनिंग में, उसको पता होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेफेल कूलिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, बेफेल कूलिंग। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इन होंगे, तो यहाँ से इन होकर यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये जो बेफेल कूलिंग करते हैं, इसकी हम जो डायमीटर लेते हैं, इसका हम लेते हैं 16 का लेते हैं, और ये हम लेते हैं 14 का लेते हैं। तो ये इसकी डाया जो होगा, ये वाली जो एरिया होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे हम इसकी 16 का लेते हैं और अंदर वाली जो है 14 का लेते हैं। तो इसका हम स्टैंडर्ड डाया आता है, जब भी मैं मंगवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड डाया होता है। अगर आपको ये वाला यूज करना, आपको मिशुमी का ये मोल एक्सप्रेस आपको यूज करना नहीं आता है, वो मैं सिखा दूंगा, इसके लिए आपको अलग से क्लास चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं इसको कैसे यूज करना है, कोई भी चीज चाहिए, अगर आपको कॉइल भी यूज करना है, स्प्रिंग भी यूज करना है, तो सारा चीजें इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर आपको यूज करना है तो इसको मैं, जो मेरा क्लास वगैरह होता है वहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि आपको, जो लाइब्रेरी है इसकी, लाइब्रेरी में मैं शेयर करता हूँ कैसे यूज करना है। आपको हर एक चीजें नहीं बनानी है, इसको पिलर बूस गाइड पिलर वगैरह आपको नहीं बनाना है, स्प्रिंग है इसमें, डाई का भी चीज मिल जाएंगे, मूल की भी, बहुत सारा चीजें इसमें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चलो, इसमें आउट ऑफ टॉपिक हो गए हम लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे इन आउट होंगे, इसकी हम जो बफेल लगाते हैं वो स्टैंडर्ड भी मिलते हैं, कभी कभी टूल रूम वाले खुद से भी बनाते हैं, बहुत सारे तरीका है फिलहाल के। तो ये इसको मैं जो है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी हम आते हैं इसकी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रोड डिजाइन करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, मेरा मशीनिंग कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस एरिया में जो है ना, थोड़ा सा दिक्कत आएगी मशीनिंग पे, है ना। तो इसके ऊपर से जो है यहाँ पे लग जाएगी इलेक्ट्रोड, तो ये मेरा कोई इशू नहीं है। अब जैसे मेरा, जिसको मशीनिंग के बारे में नॉलेज है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कोई रेडियस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मेरा कौन सी टूल चलाऊंगा, मैं यहाँ पे बोल टूल चलाऊंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एनमिल नहीं चला सकता हूँ। तो पहले मेरा मशीन होंगे, जो मेरा पहले बुल नोज होंगे, बुल नोज से मैं इसके रफ रफ कटिंग कर लूंगा मैं। उसके बाद जो मेरे यहाँ पे टूल होंगे, कौन सी यूज करूंगा मैं, यहाँ पे बॉल यूज करूंगा, क्योंकि ये राउंड ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, और ये प्रोफाइल में है तो वहां पे मैं बॉल चलाऊंगा और मशीनिंग टाइम में इसमें बहुत लगेगी। तो इस केस में जैसे भी मैं बॉल चलाऊंगा तो यहाँ पे टूल चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेडियस है, आप इसको देखोगे तो आप पता चलता है कितने का है, 0.8 का है, ठीक है। तो 1.5 मैं 1 mm का चला सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं अगर 1 का चलाऊंगा तो 1 mm का 0.5 का यहाँ पे रेडियस आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे मेरा 0.5 का रेडियस आ जाएंगे ना, बट मुझे यहाँ पे रेडियस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोड दूंगा इस एरिया में, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रोड मेरा कहाँ पे आएंगे, इस एरिया में आएंगे, राइट। एक इस एरिया में आएंगे, एक इस एरिया में आएंगे, दो इलेक्ट्रोड हो गए मेरे यहाँ पे। थर्ड इलेक्ट्रोड हो जाएंगे मेरे ये एरिया में, क्योंकि इसमें भी आपकी रेडियस आ जाएंगे। अगर आपको रेडियस चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, अगर रेडियस नहीं चाहिए तो आपको इसका भी एक इलेक्ट्रोड देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप में है। थर्ड इलेक्ट्रोड हो गए मेरे यहाँ पे, एक मेरे को इलेक्ट्रोड देना है, यहाँ पे एक मेरा थर्ड इलेक्ट्रोड देना है, और जो मेरा फोर्थ इलेक्ट्रोड हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में मेरे को कितने का गैप है, मेरे को ये देखना है पहले, ठीक है। देखो मैं हर एक चीजें मैं ट्राई करता हूँ आपको समझ में आए, कि इसी तरीके से मैं जो मेरा पेड क्लास चलती है, जो मेरा क्लास चलती है ना, तो मैं इसी तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1.6 है, तो मैं यहाँ पे 1.6 मतलब मेरा कितने का कटर आ जाएगा, मेरा यहाँ पे 1 का कटर मैं चला लूंगा फिनिशिंग के लिए। 1 का कटर चलाऊंगा तो मेरा कितने का आएगी इलेक्ट्रोड, 0.5 का, ठीक है। तो मेरा 0.5 का यहाँ पे रेडियस आ जाएंगे, तो मेरे को 0.5 का रेडियस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ये वाला एरिया ना, मैं इसको ना सोलिड बॉडी कर लेता हूँ, मेरा ये वाला एरिया और ये वाली एरिया दोनों का इलेक्ट्रोड मैं एक साथ ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे कितने इलेक्ट्रोड होगी, एक तो मेरा इलेक्ट्रोड हो गए यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा मेरा हो गया यहाँ पे, इन दोनों को मैं एक साथ भी ले सकता हूँ। फिर मेरा एक आएंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया अभी आपका स्लोप में है। छोटा आपका इधर आ गई, एक आपका यहाँ पे आएगी, 5 होगी, 6 होगी, इन दोनों को एक साथ लेना है तो ले सकते हो, लेकिन अभी कॉपर बहुत ही महंगा है, या अभी 1400 के आसपास चल रहा है रेट, तो आप देखो कितना महंगा हो गया कॉपर। तो कोशिश ये करो कि सस्ते में हो जाए, है ना, ज़्यादा बड़ा मत लो। और फिर एक हम दोनों को इसको एक ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम इनको एक ले लेंगे, इस साइड और इस साइड एक ले लेंगे हम। बाकी आपका इधर से आएंगे, ये तो ऊपर से चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगी इधर से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं एक साइड का इलेक्ट्रोड बनाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी मशीनिंग करवाऊंगा। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। मैं ये कोशिश करूंगा, मैं अगर हो सके तो मैं दो पार्ट में बनाऊं, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो क्या होता है ना, चीजें जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रोड डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जैसे आपको मैंने बताया कितना कितना इलेक्ट्रोड लगने वाला है, तो अभी हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं पहले। तो सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, एक मैं सिंपल से तरीके से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं अप्लाई, ठीक है। अब अभी को आपको करना क्या है, यहाँ से सिंक्रोनस मॉडलिंग पे हम जाएंगे, और ये जो फेस है, ये फेस और इस फेस के साथ, ये जो फेस है इस फेस के साथ इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस फेस के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे, डन। अब यहाँ से इसको हम कर देंगे 3 mm के ऑफसेट, 3 mm सफिशियंट है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको हम कर देंगे इधर से ऑफसेट, इधर से हम इसको ऑफसेट कर देंगे, डन, ठीक है। अब दोस्तों यहां से एक चीज और देखना है, मैं इसको, ये जो एरिया है ये मेरा काम का नहीं है, मेरा मेन एरिया ये वाला फेस है, तो इस फेस से मैं इस फेस को एक सर्टेन डिस्टेंस रखूंगा। मैं कितना डिस्टेंस रखूंगा, लेट से मैं -5 का रखूंगा, ठीक है, -5 का मैं एक इलेक्ट्रोड दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं ये चाह सकता हूँ, देखो यहाँ पे -5 है ना, तो मैं इस एरिया को भी साथ में ले लूँ, फिर बाद में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना, मैं दिक्कत कुछ नहीं होगा, मशीनिंग में थोड़ा सा वो होगा, तो मैं इसको 5 की जगह मैं इसको 3 का कर सकता हूँ अभी, लेकिन इलेक्ट्रोड टूट सकता है, ठीक है। तो इसको हम -5 ही कर देते हैं, 5 mm सफिशिएंट होती है। अब यहाँ के बाद इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट यहाँ से। तो ये वाला फेस लेके अब ये जो एरिया है इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, डन, ओके। अब ये जो है आपका, जो ये जो एरिया आ रहा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो फिर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, बट इसको हटा दो क्योंकि ये एरिया जो है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हम जो है ये वाला फेस भी ले लेते हैं,
हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो आ गया मेरा। अब इसकी मेरे को ऊपर बनानी है, तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर मैं स्केच ले लूंगा एक सिंपल सा, एकदम सिंपल तरीका, स्केच से भी बना सकते हो या बाउंड्री बॉक्स लेके भी बना सकते हो, ठीक है। तो कितना क्या आपको रखना है, यहाँ से इसकी जो है मिनिमम जो है 5 mm रखना है ऊपर, और यहाँ से जो है इसको आपको रखना है, इसको भी आपको कितना है 50 mm है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 52 mm के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मेरे को दोनों साइड इक्वल रखना है, ठीक है। और कभी भी ये जो बनाते हो ना, ये कभी भी ना पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पे जो है इसको मैं कर दूंगा, जो फाइनल डिस्टेंस होंगे ना वो मैं कर दूंगा 15 का। तो मेरा कितने का अभी इलेक्ट्रोड बनेंगे, एक हो गया 5 का और एक हो गया 52, एक हो गया आपका कितने का 15 का, एक हो गया 52 का। और जो इसकी हेड बनानी है, अभी हेड इसकी कितने बनानी है आपको, जो इसकी आप हेड बनाओगे मिनिमम हेड जो होगा 8 mm का आपको रखना है, ठीक है, 8 mm का आपको रखना है। अब ये हो गया आपको, इसको आप यूनिट कर दो, ठीक है। सेम चीज जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज जो होगा मिरर हो जाएगा, राइट। तो हम इसको कर देंगे मिरर। अब अभी ध्यान से सुनना, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप इसको मिरर मार रहे हो, ठीक है, ये अगर मिरर मार रहे हो, तो मिरर वाले क्या होगा, एक साइड होगा चैम्फर, इस साइड होगा मेरा रेडियस, पास का रेडियस लगा दो, यहाँ पे हो गए मेरा रेडियस, और यहाँ पे सेम साइड जो मिरर वाली साइड होंगे, यहाँ पे आपको कर दो चैम्फर। तो इसको जो भी ऑपरेटर है, जो भी डायलिंग करेंगे, तो उसको पता लग जाएगा कि ये मिरर प्रोफाइल है। अगर पैटर्न है, अगर आपने इसको पैटर्न कर दिया, तो वो होगा क्या, रेडियस रहेगा, इस साइड भी रेडियस होगा, इस साइड भी रेडियस होगा। अगर मिरर है तो एक साइड रेडियस, एक साइड चैम्फर, ये ध्यान रखना। तो ये होता है इसकी कॉन्सेप्ट पहली वाली। तो ये आपको पहला वाला एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, तो इसका मशीनिंग मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं एक दूसरी चीज बना दे रहा हूँ, अभी मैं बना लूंगा इसकी वाली, ये वाली का, ठीक है। अब इसको मैं इसका एक अलग से बना लूंगा, और ये वाले को मैं एक साथ बना लेता हूँ, क्योंकि एक साथ क्यों बनाऊंगा, एक बार मैं इसकी डिस्टेंस देख लेता हूँ कि यहाँ पे टूल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, है ना, टूल चल पाएगा। 1.6 है, तो 1 mm का टूल आराम से चल जाएगा यहाँ पे। और इसको मशीनिंग करने के बाद ये जो एरिया होगा, इसमें तो आराम से मशीनिंग चली जाएगा, बट यहाँ पे रेडियस आएंगे, यहाँ पे रेडियस आएंगे, यहाँ पे रेडियस आएंगे, और उस एरिया में रेडियस आएंगे, और यहाँ पे रेडियस आएंगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, यहाँ पे भी हम बाउंड्री बॉक्स बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं, है ना। तो हम इसको इधर से बना लेते हैं ऐसे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इसमें टच हो जाए, तो यहाँ पे इतना सा एरिया मेरा जो है टच हो गया है, और यहाँ पे हाइट में है, और हाइट देखो यहाँ पे डायलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो 2 mm में हाइट और बढ़ा दूंगा, 3 mm का, ठीक है। तो 3 mm मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अभी जो भी मेरा इलेक्ट्रोड जो बनेगा, मैं इसको नहीं लूंगा, इसको लूंगा ना थोड़ा सा मेरा कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाएगा, तो मैं इसके साथ इसको जो है रिप्लेस कर दिया रहा हूँ, और उसके बाद जो है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर से ये वाली एरिया को लेके इसके साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड आ गया, आ तो गया, बट ये जो एरिया है यहाँ पे टच होगा, तो यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रोड मशीनिंग होंगे, यहाँ पे तो मशीनिंग होंगे, तो यहाँ पे तो मेरे रेडियस आ जाएंगे मशीनिंग में। अब जो ये एरिया है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो या ऑफसेट कर दो इसको, ये जो है इसको हटा दो। इसमें थोड़ा सा इश्यू है ना, तो हम इसको ठीक करेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूँ, जो ये वाला एरिया है ना, अभी इलेक्ट्रोड को मशीनिंग करोगे तो यहाँ पे रेडियस छूट जाएगी, तो बात तो फाइनली वही हुआ। तो आपको करना क्या होगा, इसको आपको कर देना है ऑफसेट। अब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम कर देते 2 mm का ऑफसेट रिवर्स डायरेक्शन में, नहीं हो रही है, इसको हटा दो पहले, अभी भी नहीं हो रही है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सिंगल ही, सिंगल कर देते हैं। कितना कर दिया मैंने इसको, 2 mm का, ठीक है। तो 2 mm को मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। अब मैं इसको भी 2 mm कर दूंगा, -2 mm, ले रहे नहीं ले रहे, ठीक है। अब ले लिया इसको, हो गया। अब 2 mm इधर से ऑफसेट होगी, 2 mm इधर से ऑफसेट, अभी 2 mm इधर से भी ऑफसेट कर दो आप। अब मैंने इसको क्यों किया, अब कॉन्सेप्ट समझना है इसकी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, मैंने इसको क्यों किया।
अब देखो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं अभी देखूंगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। अब देखो आप, अब ये क्या एरिया है, इससे ऊपर है मेरा, ये जो एरिया है इससे ऊपर है। अभी मेरा यहाँ पे जब टूल मशीनिंग करने जाएंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो मेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जब सीएनसी टूल चलेगा, इस प्रोफाइल में जब टूल चलेगा, तो इसमें तो ये वाला तो मशीनिंग हो जाएगा। मैं इसको ना अभी यहाँ से रेड हो जा रही है, तो ध्यान से देखना। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, इसमें तो मशीनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इलेक्ट्रोड किस लिए लगा रहा हूँ मैं, इस वाली एरिया में रेडियस ना हो मशीनिंग होने के बाद, इस वाली एरिया में रेडियस ना हो, और ये वाली एरिया में जो है, ये वाला जो एरिया है इसमें रेडियस ना है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ। इसलिए इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ, बट इसको मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे 2 mm का मैंने ऑफसेट कर दिया, क्लियर है। तो इसको आपको 2 mm जो है ऑफसेट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज, जैसे ये मेरा आ रहा है, इसको अगर आपको ठीक करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर ठीक करना है तो कर सकते हो, और अगर आपको इसको नहीं सही है तो इसको यहाँ पे खत्म कर दो। सिंपली सी बात है, एकदम सिंपल फंडा है, इसको यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे इसको खत्म कर दो, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोड खत्म हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। तो मुझे इसके बाद इसकी जरूरत भी नहीं है, इसके बाद इसकी जरूरत भी नहीं है, देखो बस। लेकिन यहाँ पे आपका दिक्कत आ सकता है, राइट। तो हम इसको ऑफसेट कर देते थोड़ा सा, इसको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको रेडियस आ जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियस आ जाएंगे, तो इसको आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो 2 mm इसको बढ़ा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। उसको 2 mm में 3 mm बढ़ा दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको मत बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आपके एक काम ये भी हो जाएगा, ये वाले एरिया में जब टूल चलेगा यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। सप्रेक हो गई, कोई इशू नहीं है। अगर सप्रेक नहीं हो, रेड आ जाएगा, मतलब क्या है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है मतलब बाहर है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका भी कॉलर बनानी है, ठीक है। कॉलर बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो। अब इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसको ऑफ कर लेना मेरे को, और यहाँ पे इसको ऑफ कर लोगे तो ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे बन रहा है ना सिंगल ऑफसेट। तो इसको हम लॉक, मैंने लॉक कर दिया, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अभी अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो एरिया है इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दूंगा, तो यह क्या है, यहाँ पे रेडियस आ सकते, इस तरीके से बना सकते हो। बट हम इस केस में सिंपल, क्योंकि इस तरीके से बनाते हो ना, तो ये एरिया मेरा अगर पॉइंटों में नहीं है, पॉइंटों में है तो वो भी मेरा पॉइंटों में आ जाएगा। तो मैंने तो देखा नहीं था, तो मैं इसीलिए इसी से बनाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, तो मैं भी इसीलिए इसी से बनाऊंगा, उससे नहीं बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 9 है, इसको मैं कर दूंगा 5 mm, ठीक है। बाउंड्री कितना लेना है आपको, 5 mm बाउंड्री लेना है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे जितना मेरा यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है 5 mm है, और जो ओवरऑल लेंथ है, तो ओवरऑल लेंथ मेरा कितना आ रही है एक बार मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो हो गया, मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, इसने इसका पॉइंट ले लिया है, तो इसके चक्कर में जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको 70 कर देता हूँ, राइट। 70 भी नहीं होगा, ये 85 कर देता हूँ, 5 परफेक्ट। तो 85 मैंने कर दिया यहाँ पे। इसको आप हाइट करना है तो हाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे 5 mm का आपको रखना है, S2S 5 mm आपको रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊँ, हर एक चीज़ें मैं डिटेल में बता पाऊँ आपको, मेरा कोशिश यही है। और इसको भी हम कर देंगे 8 mm का, ठीक है। फिर इसको भी आपको कर देना है यूनिट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया, अब ये आपका क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा मिरर, ठीक है। तो मिरर प्रोफाइल में क्या करना है, एक साइड क्या करना है, एक साइड रेडियस, दूसरी साइड चैम्फर, वेरी गुड। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे भी इस साइड मिरर कर देना है, यहाँ पे पास का रेडियस और यहाँ पे पास का चैम्फर, ठीक है।
साइज हमेशा एक्यूरेट आना चाहिए। जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, ये जो मेरा कलर सिलेक्ट करूंगा ना, तो हमेशा मेरा साइज एक्यूरेट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब जब भी मैं इसको सेक करूंगा, लाइक मैं बाउंड्री बॉक्स लेके मैं इसमें सेक कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मिस मत करना। कितने का रहे, 52 52 35 पॉइंट, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाइट में थोड़ा बहुत कम हो जाता हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, इसको कम कर सकते हो तो 35 करना है तो कर सकते हो, ये पूरे आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज आप इसको भी देखना है, आपका ये जो चीजें है मतलब राउंड वैल्यू आना चाहिए, राउंड वैल्यू में काम करना है आपको। ये भी देखो 85 15, ठीक है, तो राउंड वैल्यू में आपको काम करना है। बहुत सा डिजाइनर देखा हो जो नया नया है, थोड़ा सा एक दो काम सीख के बहुत अपने आप को बहुत वो समझ लेता है, ठीक है। मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो गलती है तो गलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अपना जो चीजें है बना के थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद वो अपना ऐसे के तैसे कर लेते हैं, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, अब ये एरिया यहाँ पे टच हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेरा यहाँ पे बोल्टिंग होगा, मेरा डायलिंग जो होगा यहाँ पे हो जाएगा, डायलिंग और बोल्टिंग मेरा यहाँ हो जाएगी, इसको मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसको आगे करूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ या इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं इसको यहाँ पे सजेस्ट ये करूंगा, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा, ये टच ना हो, ये ध्यान रखना है। तो ये मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं ऑप्शन कर दू, यहाँ पे वो चीजें हो आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसको सेव कर दिया कि यहाँ पे डायलिंग हो जाएगी, और रेफरेंस पॉइंट एक ये रेफरेंस ले लेंगे, जेड ए ले लेंगे, दोनों का सेंटर निकल जाएगी इसकी। तो इसी तरीके से हमने क्या दो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे हमने बना लिया है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन जो है हम इसकी मशीनिंग करेंगे। चलो मैं आपको एक अभी देखो आपने ये समझ गया, अब आप इसके भी इलेक्ट्रोड बना लोगे, इसके भी इलेक्ट्रोड आप बना लोगे, है ना। मैं एक साइड का हाइट कर देता हूँ कि आप समझ पाओ, अब आप इसकी इलेक्ट्रोड बना लोगे, ये वाले एरिया का इलेक्ट्रोड आप बना लोगे, राइट, आपको समझ में आ गई इस तरीके से। बट अब अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अब इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, ये इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, आइडिया बताओ, एक बार में बन जाएगा, बताओ कोई मुझे, एक बार में बन जाएगा, एक बार में ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस में ना आपको ये जो है कितने का देखना है, पहले आपको वैल्यू देखना है यहाँ की, बीच में टूल घुस पाएगा कि नहीं, जो आपकी टूल बनाओगे ना वो टूल घुस पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप पहले वो देखो, यहाँ से ये कि बीच में क्या 2 mm, 1 mm आराम से टूल घुस जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड बनाऊंगा मैं इसको, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा इसमें आप ध्यान से देखना। एक तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसके बाद जो ये इसकी जो एरिया है, इसका जो एरिया है इसको मैं इधर की साइड बढ़ा दे रहा हूँ और इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, एक 1.5 mm में ले जा रहा हूँ मैं, अभी कितना ले जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। अब इसको मैं ले जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, हमेशा ये जेट में जाता है। सिमिलरली इसको मैं कर दूंगा रिप्लेस, इसके साथ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, डन। अब यहां पे भी मैं सेम चीजें, या अब मिरर भी मार सकते हो अगर ऑब्जेक्ट प्रोफाइल सही है तो हम इसको मिरर भी मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेड सी नहीं लूंगा, यहाँ पे पॉइंट एंड डायरेक्शन, इसकी सेंटर पॉइंट एंड गिव द डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है वो मैं निकाल लिया हूं। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, अब मेरे को इसको ना थोड़ा सा ऑफसेट कर देना है 2 mm के आसपास, इधर ऑफसेट कर देना है 2 mm, और 2 mm जो है मुझे इधर ऑफसेट कर देना है, ठीक है, मैंने 2 mm ऑफसेट कर दिया, डन। अब हम जो करेंगे इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट को किससे सबट्रैक्ट करना है, इससे सबट्रैक्ट करना है, राइट, फिर इस ऑब्जेक्ट को किससे सबट्रैक्ट करना है, इससे सबट्रैक्ट करना है, बस। अब दोनों तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से मेरा गैप भी है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक मैं सर्टेन जो है एक मैं ब्लॉक बना लूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरा पहला पड़ाव था, वो पहला पड़ाव किसके लिए था, मेरा जो मेरा पहला पड़ाव था ये मेरा था, इसको मैं 5 mm कर दूंगा, और ये मैं कर दूंगा 20 mm, राइट, कुछ सर्टेन 20 mm में देख लेता हूँ कैसा है, 20 mm कम हो रहा है थोड़ा सा, 21 mm कर देता हूँ, राउंड फिगर रखा करो, ठीक है, 20.5 mm रखा करो,
दिक्कत हो जाती है, जो बंदा डायलिंग करता है उसको लेने में दिक्कत आ जाती है, फिर आपको ना मन ही मन बंदा गाली देगा आपको फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर दिया, तो इसको हम कर देंगे 15। यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 15 हो गई, ठीक है। तो मिनिमम तो 15 के आसपास लेना है आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको मिनिमम 15 लेना है और मिनिमम 8 mm का आपको मेंटेन करना है। तो ये मेरा बन गया। अब आप देखोगे इसकी एक इसमें आराम से मशीनिंग हो जाएगी, कोई चीज का किसी चीज का दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ये मेरा यहाँ पे वो चीजें बन गया है, ठीक है। तो हमने इसको बना दिया, इसको हाइड कर देता हूं मैं, ये वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। और इसमें जैसे ये टास्क नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है यहाँ पर टास्क नहीं हो रही है। तो एक साइड मैं रेडियस करूंगा, फिर दूसरे साइड जो है मैं क्या करूंगा बताओ, क्या करूंगा मैं चैम्बर करूंगा, ठीक है। अब इस साइड का मेरा बन गया, अब मेरे को एक इस साइड से बनानी है क्योंकि इसमें भी रेडियस ना आए, ठीक है। बहुत लोग तो इसमें कटर से ला देते हैं, 0.5 का रेडियस ला देते हैं, लेकिन अगर आपको मैं सही तरीके बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत काम का है, कैसे बनाना है वो आपके हाथ में है। तो इसका हम क्या करेंगे फिर, इसका भी आपको एक इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, सेम इसी तरीके से बनानी है। अभी मैं इसको आपको लंबा नहीं करूंगा, एक इस पेज को सिलेक्ट करना है, एक आपको इस पेज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है हम इससे इसको काम कर देंगे। मैं इसको कर दूंगा रिप्लेस और यहाँ से कुछ हाइट दे दूंगा, इसको डाउन कर दूंगा। तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोड बनाना है आपको। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो यहाँ से हम जो है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे कितना है, 0.9 बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे आपको साइटनिंग वैल्यू रखना है और यहाँ से इसको आगे कर देना है, सिमिलरली उधर से भी इसको आगे कर देना है, ठीक है। अब हम मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इसके तक, क्योंकि बीच में लाइन आ जाएंगी वो मुझे खराब दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे इतना काफ़ी है और एरिया बढ़ा सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो आप। इसको मैं 3 mm ऊपर ले लूँगा और इसका अगर आपको देखो अगर मान ये पतला लगता है, कितने का है, मिनिमम तो 3-4 mm तो रखना है ना, 5 mm मिनिमम रख दो यार, कोई ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। 5 mm कंजूसी नहीं करना, इतना भी कंजूसी नहीं करना है कि हाँ यार मैं इसकी मेटल बनाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। देखो 1.4 है तो हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी बना दिया मैंने। अब इसको जो दोस्तों हम इसको मिरर मार देंगे लाइक इस तरीके से भी, समझ गया आपको कैसे बनाना है, इसी तरीके से आपको बनाना है ये। अब मैं इसमें साइज नहीं दिखूंगा, मैं फटाक से इसको बना लूंगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से एक ब्लॉक लेके, आई होप आपने समझ गया है, इसको भी ऐसे लेके ऊपर एक ब्लॉक लेके आपको बना देना है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसकी मशीनिंग दिखाऊंगा मैं आपको, मशीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, जो मेरा लास्ट वाला है। तो आपने समझ गया कैसे आपको बनाना है, ठीक है, पूरा है। अब इसको जो है आप इसको मिरर मारोगे तो ये देखो यहाँ पे मिरर प्रोफाइल है, एक तरफ रेडियस एक तरफ चैम्फर। तो ये ध्यान रखना, अभी जब भी अगर सेम साइज हो, मान लो ये 15x15 है, यहाँ पे भी 15x15 है, तो रेडियस कभी भी सेम मत मारना। यहाँ पे अगर 5 का रेडियस है, यहाँ पे 3 का मार दो, ठीक है। और चैम्फर भी इधर अगर 5 का चैम्फर है, इधर 3 का चैम्फर मार दो। तो ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे आप गलती से आप इलिमिनेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड की मशीनिंग के ऊपर, इलेक्ट्रोड में मशीनिंग में कैसे मशीनिंग होती है, क्योंकि बाकी जो आपकी पार्ट मशीनिंग होती है वो अलग होती है और इलेक्ट्रोड की मशीनिंग वो अलग होती है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रोड बनाते हो इसको हम कितना स्पार्क गैप लेके बनाते हैं, कितना स्पार्क गैप देना चाहिए, रैपिंग में कितना स्पार्क गैप होना चाहिए, फिनिशिंग में कितना स्पार्क गैप होना चाहिए, कभी हम इलेक्ट्रोड में अगर इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसकी कितना स्पार्क गैप होना चाहिए, कितना एम्पियर में आप मशीन चला रहे हो, अगर एम्पियर बढ़ेगा तो आपके स्पार्क गैप में क्या फर्क पड़ेगा, तो हर एक चीज़ें जो है सेकंड वाले पार्ट में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी जो वीडियो है इसमें हमने इलेक्ट्रोड बनाया, हमने एक मोल्ड देखा, इस मोल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाना है, 3-plane मोल्ड है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसके बारे में। और अगर किसी को इस तरीके से क्लास वगैरह लेना है तो हर एक चीज़ें आपको इस तरीके से एडवांस क्लासेस वगैरह लेना है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है कि इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहते हैं। और जो जेनुइन बंदा है, जो जेनुइन इंटरेस्टेड है, वही बात करें, क्योंकि फालतू में मेरे पास बहुत कॉल आता है, मैं इतना एंटरटेनमेंट नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो जो जेनुइन है, जिसको ही सीखना है वो कॉन्टैक्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों वीडियो में एक साथ अपलोडिंग कर दिया हूँ और इस वीडियो में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखा, बहुत कुछ चीज़ें हमने देखा, हम डिस्कस करा है। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि
जब भी आप मोल्ड डिजाइन करते हो या कोई भी डाई डिजाइन करते हो उसमें आपके इलेक्ट्रोड आते ही आते हैं ना। तो इलेक्ट्रोड की भी कुछ भी डिजाइन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, मशीनिंग में क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, तो हर एक चीज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, बाय बाय।